हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आई विल मेक दिस ब्यूटीफुल पैटर्न। दिस इज डबल कलर पैटर्न। यू कैन मेक दिस पैटर्न विद मल्टी कलर्स और डबल कलर। दिस इज फ्रंट साइड। ये फ्रंट साइड है, देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है। आप इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, आप इसे डबल कलर में बना सकते हैं। और ये है इसकी रॉन्ग साइड, दिस इज रॉन्ग साइड। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पैटर्न है, ये 6 और 2, ये 8 सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। दिस पैटर्न इज ओनली 8 रोज रिपीट पैटर्न एंड यू नीड टू कास्ट ऑन मल्टीपल्स ऑफ 5+2 स्टिचेस। ये 5-5 फंदों पर बना है और एक एक फंदा हमने स्टिच लिया है, तो आपको इसमें 5 के मल्टीपल में 2 फंदे ऐड करने हैं। यू नीड टू कास्ट ऑन मल्टीपल्स ऑफ 5+2 स्टिचेस। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। तो आप इसे किसी भी स्वेटर में बनाए अच्छा लगेगा, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे इस्तेमाल सकते हैं। यू कैन यूज दिस पैटर्न इन एनी स्वेटर एनी प्रोजेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं, लेट्स बिगिन। आई हैव 17 स्टिचेस ऑन माई नीडल। दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज राइट साइड। ये राइट साइड है और ये फर्स्ट रो है। नीट ऑल स्टिचेज फॉर दिस रो। पहली सिलाई हम सीधी बुनेंगे बेस कलर से। दिस इज बेस कलर व्हाइट। नीट ऑल स्टिचेस। आई हैव फिनिश फर्स्ट रो। मैंने पहली सिलाई बना ली है। दिस इज रॉन्ग साइड और ये दूसरी सिलाई है। रो 2 ऑन रॉन्ग साइड। स्लिप दिस वन, इसे हमने स्लिप कर लिया। यार्न इन बैक, नीट ऑल। यहां भी हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। नीट ऑल फॉर दिस रो। रो 3 ऑन राइट साइड। पर्ल ऑल स्टिचेस फॉर दिस रो। रो 3 एंड रो 5, पर्ल ऑल स्टिचेस फॉर रो 3 एंड रो 5। नीट ऑल स्टिचेस फॉर रो 4 एंड रो 6। इस तरह से ये 6 सिलाई बनेगी। एक सिलाई हमने इधर से सीधी बनाई है, बाकी की सिलाई जो बाकी 5 सिलाई है, रोंग साइड से सीधी और राइट साइड से उल्टी। तो राइट साइड से तीसरी और पांचवी सिलाई उल्टी बनेगी और रोंग साइड से चौथी और छठी सिलाई सीधी बनेगी, और दूसरी सिलाई भी सीधी बनाई है हमने। तो ये 3 सिलाई हो चुकी हैं। देखिए, दिस इज रॉन्ग साइड एंड रो 4। नीट ऑल स्टिचेज फॉर दिस रो एंड पर्ल ऑल स्टिचेज फॉर दिस रो एंड अगेन नीट ऑल स्टिचेज। 3 मैंने बना ली है, 3 मैं और बनाऊंगी। आई हैव फिनिश्ड 6 रोज। देखिए, मैंने 6 सिलाई कंप्लीट कर ली है। पहली सिलाई मैंने राइट साइड पर सीधी बनाई, उसके बाद 5 सिलाई हमने ऐसे बनाई है जो हमने रोंग साइड से सीधी और राइट साइड से उल्टी इस तरह से आई है। बाकी की 5 सिलाइयां देखिए, तीसरी और पांचवी सिलाई हमने इधर से उल्टी बनाई है और दूसरी चौथी और छठी सिलाई रोंग साइड से हमने सीधी बनाई है। तो अब ये है हमारी रो नंबर 7। रो 7 ऑन राइट साइड। अब मैं यहां पर ऐड करूंगी सेकंड कलर। ऐड सेकंड कलर। नीट फर्स्ट स्टिच। पहला फंदा हमने सीधा बना लिया। अब देखिए, 1, 2, 3, ये तीसरा फंदा है। डाउन टू द थर्ड स्टिच, 1, 2, 3, 4। दिस इज फोर्थ होल। इंसर्ट द नीडल इन टू दिस होल। यहां पर हमें सिलाई डालनी है और एक लूप हमें बनाना है। मेक अ लूप। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं। नीट 2, अगेन मेक अ लूप फ्रॉम हियर।
knit 3, 1, 2, 3, again make a loop, third loop, from the same hole, और ये लूप हम ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे. तो देखिए फ्रॉम हियर टू हियर दीज आर 5 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5 ये और 3 ये लूप है, तो ये 8 फंदे हो गए. रिपीट अगेन, दिस इज रिपीट पैटर्न, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, दिस इज फोर्थ होल. इंसर्ट द नीडल, यहाँ पर हमें सिलाई डालनी है, एक लूप बनाना है, मेक अ लूप, नीट 2, 1, 2, मेक अ लूप अगेन, दोबारा हमें एक लूप बनाना है, नीट 3, 1, 2, 3, मेक अ लूप अगेन, मेक अ लूप अगेन, दिस इज थर्ड लूप. रिपीट अगेन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, दिस इज फोर्थ होल. मेक अ लूप, नीट 2, मेक सेकेंड लूप, नीट 3, 1, 2, 3. इस तरह से हमारे 5 फंदे कंप्लीट हो जाते हैं. पहले हम 2 बुनते हैं, फिर लूप बनाते हैं, फिर 3 बुनते हैं, फिर लूप बनाते हैं, और एक लूप हम सबसे पहले बनाते हैं. तो इस तरह से हमारे 3 लूप बन जाते हैं. ये दीज आर 3 लूप एंड 5 स्टिचेस. नीट 1, दिस इज ए स्टिच. आई हैव फिनिश्ड 7 रोज. रो 8 ऑन रॉन्ग साइड, स्लिप दिस 1, yarn in back, knit 2, these 2, ये वाले जो फंदे हैं, ये 2 फंदे, देखिए ये पहला फंदा और ये हमें इस तरह से फ्रंट साइड से knit 2 together, इस तरह से, इन दिस वे, knit 1. अब हमें ये 2 फंदे knit 2 together थ्रू बैक लूप, ये बैक लूप से बनाने हैं, नीट 1, फिर हमें एक बुनना है, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, फिर से हमें 2 बैक लूप से बनाने हैं. रिपीट अगेन, नीट 2 टुगेदर थ्रू फ्रंट लूप, ये हम ये शुरू वाला हमें फ्रंट लूप से बनाना है, बाकी के हमें बैक लूप से बनाने हैं. नीट 1, नीट 2 थ्रू बैक लूप, नीट 1, नीट 2 थ्रू बैक लूप. अब ये देखिए 5 ही फंदे हैं, 8 फंदे के फिर से 5 हो गए, 8 हो गए थे ये, नीट 2 टुगेदर, नीट 1, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, नीट 1, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप एंड नीट 1, दिस इज एज स्टिच. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है. फिर से हमें यही 8 सिलाई बनानी है. यू हैव टू रिपीट दीज 8 रोज ओवर एंड ओवर अगेन. मैं फिर से बनाकर दिखाती हूँ. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पैटर्न. दिस इज फर्स्ट रो, नीट ऑल स्टिचेस फॉर दिस रो. हमें पहली सिलाई सीधी बनानी है, उसके बाद हमें 5 सिलाई बनानी है, ऐसे उल्टी बनानी है, इधर से उल्टी, उधर से सीधी, उधर से सीधी, इधर से उल्टी. ये देखिए मैंने 6 सिलाई बना दी है, रॉन्ग साइड से सीधी, राइट साइड से उल्टी. पहली सिलाई हम सीधी बनाते हैं राइट साइड से, बाकी सिलाई उल्टी आती है. तीसरी और पांचवी सिलाई उल्टी आती है. अब यही पैटर्न हमें फिर से रिपीट करना है,
रिपीट दिस पैटर्न अगेन। नीट फर्स्ट स्टिच 1 2 3 1 2 3 4 This is fourth hole. Insert the needle here. Make a loop. एक loop यहां से बनाना है. Knit two. दो फंदे सीधे बुनने हैं. एक दो. Make second loop from same hole. Knit three. तीन फंदे सीधे बुनने हैं. मेक थर्ड लूप फ्रॉम सेम होल. ये देखिए, फिर से हमें यही रिपीट करना है. तो ये देखिए, अब यहां पर बनेगा ये, फिर यहां पर बनेगा, फिर यहां पर बनेगा. तो मैं ये अब बना लेती हूं. देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो बार ये पैटर्न रिपीट कर दिया है. आई हैव रिपीटेड दिस पैटर्न टू टाइम्स. अब आपको ये आठ लाइन बार बार बनानी है. यू हैव टू मेक दीज एट रोज ओवर एंड ओवर अगेन. आपको कैसा लगा ये पैटर्न, कैसी लगी हमारी वीडियो, लिखकर जरूर बताएं. एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.